हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए वन प्लस इलेवन का एक और टिप्स लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, वन प्लस इलेवन आपको दो ऑप्शन देता है। एक देता है बटन मोड, जिसमें आपको यहाँ पे नीचे बटन्स मिल जाएंगे, जिससे आप बैक, होम स्क्रीन या रिसेंट ऐप यहां से डन से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको गेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन से आप अपने मोबाइल के साइड स्क्रीन में इस तरह से स्वाइप करके बैक, होम स्क्रीन या रिसेंट ऐप वगैरह को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इस सेटिंग को कैसे इनेबल करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। वन प्लस इलेवन के साथ साथ बाकी वन प्लस के टिप्स ट्रिक्स देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वन प्लस इलेवन आपको दो तरह से सिस्टम नेविगेशन को एक्सेस करने का ऑप्शन देता है। ये सेटिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ से आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में देखिए, सिस्टम नेविगेशन का दो ऑप्शन मिलता है, एक बटन और एक दूसरा गेस्चर। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इनेबल कर लेना है। बटन मोड पे आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिलता है, जो ये बैक बटन होता है, ये होम स्क्रीन और ये रिसेंट ऐप का, कुछ इस प्रकार से ये होम स्क्रीन और ये बैक। साथ ही साथ में आपको देखिए ये गेस्चर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अगर अपने डिस्प्ले पे कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो बैक ऑप्शन मिलेगा। विंडोज़ में इस तरह से ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो आप होम स्क्रीन में चले जाएंगे। यहाँ से स्लाइड करते हुए इस तरह से रोकेंगे तो आप रिसेंट ऐप को यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल के सिस्टम नेविगेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। होप आपको ये छोटा सा टिप्स अच्छा लगा होगा। इसी तरह के टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।